वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं खेल की खबर। भारत की एशिया से बाहर सबसे बड़ी जीत, एंटीका टेस्ट पर पारी और 92 रनों से कब्जा किया। वेस्ट इंडीज की दूसरी पारी 231 रन पर ही सिमटी, पहली पारी में बनाए थे 243 रन। अश्विन ने दूसरी पारी में 83 रन देकर 7 विकेट लिए, मैन ऑफ द मैच बने। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने 9वें विकेट के लिए 95 रन जोड़े, ब्रेडफिट ने नाबाद 51 और बिशू ने 45 रन बनाए। कप्तान कोहली ने कहा, हम जीत को बनाना चाहते हैं, आदत रिकॉर्ड से थे अनजान। केबीआई कप्तान होल्डर बोले, पूरे मैच में भारत के खिलाफ हम खेलते रहे, कैच अप किए। वेस्ट इंडीज में ईशांत शर्मा का दिखा नया हेयर स्टाइल, पहले खुले हुए बालों के साथ करते थे गेंदबाजी। मैनचेस्टर टेस्ट में पाकिस्तान को 565 का लक्ष्य, दूसरी पारी में अब तक एक विकेट पर 25 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बाल बाल बचे मिसबाह उल हक, क्रिस वोक्स के बाउंसर से हेलमेट टूटा। जोहाना कोंटा ने स्टैनफोर्ड में विनर्स को दी मात, पहले WTA टाइटल पर किया कब्जा। मॉन्ट्रियल टूर्नामेंट से बाहर हुई सेरेना, शोल्डर इंजरी के बाद नाम वापस लिया। IOC ने रूस के रियो ओलंपिक में भाग लेने पर नहीं लगाई पूरी तरह से रोक, फेडरेशन पर छोड़ा फैसला। अपने अपने वर्ल्ड फेडरेशन के सामने रूसी एथलीट्स को करना होगा साबित, डोपिंग में नहीं रहे हैं शामिल। IOC के एथिक्स कमीशन ने रूसी धाविका स्टेपनोवा को दिया झटका, तटस्थ खिलाड़ी के रूप में भाग लेने को मंजूरी नहीं। ऑस्ट्रेलिया के खेल मंत्री का बयान, डोपिंग को लेकर रूस पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगने से दुखी। रियो ओलंपिक में रेसलर योगेश्वर दत्त ने बनाया मिशन गोल, एक अखबार को दिया इंटरव्यू। रियो ओलंपिक की तैयारियों से संतुष्ट नहीं ऑस्ट्रेलिया आया एथलीट, बोले जब तक पूरी तरह से कमरे दुरुस्त नहीं होंगे तब तक रूम में एंट्री। हैमिल्टन ने 5वीं बार जीती हंगरी फॉर्मूला 1 रेस, निको रोसबर्ग को मिला दूसरा स्थान। फुटबॉल स्टार मेसी ने बदला अपना हेयर कलर और स्टाइल, सुनहरे भूरे रंग को करवाया। अब देखते हैं बाजार की खबर। फिर 28,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स, 292 अंकों पर 28,095 पर बंद हुआ। IT सेक्टर में नौकरी देने वाली टॉप कंपनी बनी TCS, नैशकॉम की रिपोर्ट में दावा। ओला और उबर पर सरकार की नजर, जल्द रेगुलेटरी बिल लाने की भी तैयारी। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों के बैन पर बोले मारुति चीफ, ऑटो सेक्टर होगा प्रभावित। मारुति सुजुकी के चेयरमैन RC भार्गव ने कहा, क्या ये कहना सही है, अब आपकी कार कबाड़ हो गई है। रिफॉर्म में सुस्ती पर IMF ने भारत को किया आगाह, एक्सपोर्ट में कमी आने से भारत की इकोनॉमिक धीमी पड़ने की दी चेतावनी। महंगाई कम करने के लिए मोदी सरकार फिक्रमंद, राज्यों से फूड आइटम को APMC एक्ट से बाहर करने को कहा। साल 2017 तक DBT से जुड़ जाएंगी सभी सब्सिडी वेलफेयर स्कीम, मोदी सरकार ने रखा टारगेट। रेल में सफर और सुहाना होगा, 1,000 ट्रेनों में शुरू होगी रेल रेडियो सर्विसेज। अब खबरें फिल्म और एंटरटेनमेंट की। नसीरुद्दीन शाह ने राजेश खन्ना पर दिए बयान पर माफी मांगी, बताया था खराब एक्टर। सलमान की करीबी दोस्त लुलिया वेंटूर के बर्थडे का मना जश्न, प्रीति जिंटा ने तस्वीरें पोस्ट की। 7 साल बाद प्रभुदेवा के साथ काम कर सकते हैं सलमान खान, प्रभुदेवा को सलमान के लिए मिली एक स्क्रिप्ट। एक हफ्ते में शुरू हो सकती है ट्यूबलाइट की शूटिंग, कबीर की फिल्म में फिर होंगे सलमान। आमिर की दंगल को प्रमोट करने के लिए अजय देवगन तैयार, कहा अगर बेटी पर आधारित है तो जरूर करूंगा। सामने आया रणवीर और अनुष्का का दिलचस्प वीडियो, दोनों ने साथ में की मस्ती। जल्दी एक्टर से डायरेक्टर बनेंगे अरशद वारसी, बोले मेरी फिल्म बोरिंग नहीं होगी। जमशेदपुर में जरीन खान के शो में दर्शकों का हंगामा, जरीन के देर से आने पर दर्शक स्टेज पर चढ़े। पर्दे पर वरुण की मां का किरदार निभा सकते हैं तबू, फिल्म शिद्दत में करेंगे काम। सामने आई ऋतिक की बच्चों को ट्रेनिंग देते तस्वीर, साथ में पुशअप्स करते नजर आए। रणवीर की एक्टिंग में अनिल कपूर की झलक दिखने पर आदित्य चोपड़ा की नसीहत, खुद की तरह एक्टिंग करने को कहा। पहली बार एक्ट्रेस सयामी खेर ने रैंप पर किया वॉक, इंडिया फैशन वीक में बिखेरा जलवा। फिल्म रानी लक्ष्मीबाई पर बोले केतन मेहता, कंगना को रोल के लिए परफेक्ट बताया। फिल्मों की कमाई को लेकर जॉन का बिंदास जवाब, दर्शक कमाई से सितारों को जज नहीं करते।